अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस कीजिए बेल आइकन को मेरे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाने वाला हूँ गैलेक्सी A50 में एक नया अपडेट आया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये अपडेट है 428.282 MB का और इस पर आपको नया क्या देखने को मिल जाता है देख लीजिए। यहाँ पे द स्टेबिलिटी ऑफ नॉक्स गार्ड हैज़ बीन इम्प्रूव्ड, द सिक्योरिटी ऑफ योर डिवाइस हैज़ बीन इम्प्रूव्ड। इस पर जो नॉक्स सिक्योरिटी है वो इम्प्रूव किया गया है और इसका जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो एकदम लेटेस्ट जून मंथ का दिया है। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ अपडेट को, उसके बाद देखता हूँ और एक्स्ट्रा क्या चीज़ मिला है। तो अपडेट मैंने डाउनलोड कर लिया, अभी यहाँ पर देख सकते हैं अपडेट रेडी टू इंस्टॉल। तो मैं इसको इंस्टॉल नाउ कर देता हूँ और ये जब तक अपडेट कंप्लीट रहता है तब तक मैं वेट करता हूँ थोड़ा। तो ये फ़ोन अभी रिस्टार्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सिक्योर्ड बाय नॉक्स लिखा है, यही सिक्योरिटी अपडेट होके आया है नया अपडेट में। ये अपडेट हम लोगों को करीबन एक महीना बाद मिला है, बट फिर भी इसमें ज़्यादा कुछ नया अपडेट दिखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दो ब्लोटवेयर ऐड हुआ है, एक है booking.com और एक है Amazon Prime Video। तो इसको आप अनइंस्टॉल भी कर दे सकते हैं। तो ये अनइंस्टॉल हो गया। इस पर सिर्फ दो ही नया चीज़ दिखने को मिला है ये अपडेट पे। तो एक है जो नॉक्स का सिक्योरिटी अपडेट है और एक है इसका जो सिक्योरिटी लेवल पैच लेवल है ये लेटेस्ट मंथ का मिला है। इसमें और कुछ नया चीज़ देखने को नहीं मिलता है। इस पर ना ही फिंगरप्रिंट को अपडेट किया गया है, ना ही आपको कैमरा पे 4K वीडियोस अवेलेबल है अभी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने पर मत भूलिए।